नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम घटना देखने वाले हैं वो एक सच्ची घटना है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है रिक। एक बार ये क्या कहते हैं कि 2008 में जब वो अपने गाड़ी से जा रहे थे तब उसका एक्सीडेंट हुआ, मतलब टू व्हीलर से जा रहे थे वो। और अचानक एक्सीडेंट होने के बाद वो कहते हैं कि वो नीचे सड़क पर गिर गए और अचानक बेहोश हो गए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। बेहोश होने के कुछ वक्त बाद वो कहते हैं कि अचानक अपने आप को उन्होंने एक बड़े बहुत ही बड़े से हॉल में देखा, और बहुत ही ये श्वेत रंग का हॉल था, पूरा सफ़ेद सफ़ेद हॉल था। और वो ये कह रहे थे कि उनके आजू बाजू इर्द गिर्द उन्होंने बहुत सारे आत्माओं का एहसास किया, मतलब क्या कि आत्मा वहाँ पर मौजूद थी और वो बहुत सारी थी, ऐसे कह रहे थे। अगर उनको देखा जाए तो वो कह रहे थे कि जैसे पृथ्वी पर हमें साया दिखाई देता है तो वैसे ही वो दिखाई दे रही थी आत्माएँ, और बहुत सारी वो आत्माएँ थी और बहुत ही कहीं ना कहीं वो प्यार का वर्षाव कर रही थी रिक पर। और रिक कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा वहाँ पर लग रहा था। और तब लेकिन रिक ने एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण कही है कि वो उनको क्लियर नहीं देख पा रहा था। वो उनको जब देख रहा था तब लग रहा था उसको कि शायद मैं इनको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ नहीं पता, लेकिन जब वो क्लियर देखने की कोशिश कर रहा था तब अंदर से उसके एक आवाज़ आ रही थी कि तुम्हें अभी फ़िलहाल अनुमति नहीं है। तो इस तरह से उसके साथ बार बार हो रहा था। और अचानक एक बहुत ही बड़ी आत्मा ने उसके पास आया और उस आत्मा ने उसको ये कहा दोस्तों कि तुम कैसे हो रिक, हम ईश्वर के पुत्र हो और तुम भी हमारे जैसे ही ईश्वर के पुत्र हो। तो ये जब बात रिक ने सुनी तब उसको एक बहुत ही अजीब सा लगा, लेकिन उस पवित्र आत्मा के बारे में रिक ने ये कहा है कि उसको देखकर ही लग रहा था कि वो कोई पवित्र आत्मा है। और उसको मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसे कह रहा था कि उसके मन में उसके जीवन के बारे में या फिर उसके आत्मा के बारे में जितने भी सवाल होंगे उन सारे सवालों के जवाब उस आत्मा के पास होंगे। लेकिन उस वक्त रिक को ये नहीं लगा कि मैं उसको कुछ बात करूँ, उससे कुछ बात करूँ। और थोड़ी ही देर में उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि तुम्हारा ये फ़िलहाल वक्त नहीं आया है इस जीवन में आने का या फिर इस लोक में आने का, जब तुम्हारा समय आएगा तब ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने ज़रूर खुलेंगी और बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल में खुलेंगी। फ़िलहाल तुम्हें ज़्यादा अनुमति नहीं है, बस तुम यहाँ तक आए, लेकिन इसके आगे तुम्हारे जाने की फ़िलहाल अनुमति नहीं है। लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर वक्त आएगा जब वहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छे से ज्ञान मिल सकता है। और ऐसे होने के बाद रिक ने कहा कि बाद में वो अपने शरीर में फिर से लौट आया, और जब शरीर में लौट आया तब तो अस्पताल में था। उसको कुछ लोगों ने जब वो सड़क पर पड़ा था तब कुछ लोगों ने उनको अस्पताल लेकर गया, और डॉक्टर ने भी उनको कहा कि तकरीबन वो 10 घंटे, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय है ये, 10 घंटे वो बेहोश था। और बाद में जब वो अपने शरीर में लौट आया तब वो कहने लगा कि वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। लेकिन ये जो एहसास है रिक का, जो एहसास है उसने कुछ बातें कही है हम सबको। वो हमें ये कहता है कि हमें बहुत बार लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन कभी कभी हम अकेले नहीं होते, कभी भी हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है। लेकिन पृथ्वी पर जैसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने आते हैं, इस वजह से कुछ काल के लिए हो सकता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों कि समझो बाइक की रेसिंग है, 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है और 10 लोगों के अलग अलग उनको चेयर अप करने वाले लोग हैं समझो, हाँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10-20 हज़ार लोग सिर्फ एक इंसान के मतलब चेयर अप करने के लिए वहाँ पर होते हैं, वो तालियां बजाते हैं कि तुम जीत, तो तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तुम जीत सकते हो। ऐसे वक्त में जब वो रेस में भाग लेता है या फिर रेस जब शुरू होती है तब वो दिखने के लिए अकेले ही दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 हज़ार लोग, 20 हज़ार लोग, 1-1 लाख लोग उसके पीछे है, वो उससे प्यार करते हैं, वो उसका अच्छा चाहते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। फिलहाल जो जिसके सामने दुख है और जो अपने आप को अकेले समझता है, तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ये एक बहुत ही बड़ी रेस हम आगे बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं, इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हैं। कहीं ना कहीं वो जब रेस ख़त्म हो जाएगी तब हमारे अपने लोग हमें आकर मतलब गले लगाएंगे, हमें बहुत सारा प्यार करेंगे। लेकिन फिर दोस्त महत्वपूर्ण ये है कि उस रेस में हम किस तरह से चलते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता कि अगर आप दुखी है तो जितना हो सके परिस्थिति का अच्छे तरह से सामना करना, आपके जो अपने हैं उनको आपसे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि उनके किसी अपने ने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया। तो जो ज़िंदगी है दोस्तों वो ये है। रिक की जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग जिनको शायद हम जानते भी नहीं ऐसे भी लोग शायद हमारे साथ है हमारे अच्छे कर्मों की वजह से। तो इस वजह से अगर हम अच्छा करते हैं तो खुद ईश्वर भी हमारे हमेशा साथ होगा। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक फास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने फास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग फास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।